पारा शिक्षकों के लिए बनी सहमति के मुद्दे पर अब तक कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी और कैबिनेट की बैठक में उसे पास नहीं करवाया जा सका। शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तक मुलाकात करते रहे पारा शिक्षक के प्रतिनिधि, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कुछ आशा की झलक और आश्वासन निश्चित तौर पर पारा शिक्षकों को मिला है, जिससे ये अब साबित होता है कि निश्चित तौर पर पारा शिक्षकों को राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 2 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य पर निश्चित तौर पर एक औपचारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि अब आशा जो दिखाया गया है उस पर निश्चित पारा शिक्षकों को अमल करना होगा, आशा पे ही विश्वास करना होगा, और मुख्यमंत्री के द्वारा अगर घोषणा कर दी जाती है तो निश्चित तौर पर इसे कैबिनेट में, आगामी कैबिनेट की बैठक में पास करवा लिया जाएगा। ऐसा ये शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है। पारा शिक्षकों को तारीख पे तारीख इतनी मिली कि पारा शिक्षक अब उस तारीख से उन्हें विश्वास नहीं हो पाता है, भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब पारा शिक्षक के पास अभी तत्काल कोई विकल्प भी नहीं है। निश्चित तौर पे ये जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो घोषणाएँ होगी उसे देखना होगा। अभी आपको दिखाते हैं, आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि राज्य के पारा शिक्षक अब निश्चित तौर पे शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने में मन लगाकर अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे। ये देखिए छोटा सा उनका वीडियो है, इसे आप देखकर समझ पाएंगे कि मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि हमारे ये पारा शिक्षक निर्भीक होकर इस राज्य के आने वाले पीढ़ी को एक दिशा देने का काम करेंगे। जो बेचारे आए दिन 24 घंटा धरना प्रदर्शन 12 महीना या 8 महीना करते थे, अब इनकी ये समस्या खत्म। और मैं आपके माध्यम से 2 साल पूरे होने के मैं सभी राज्य में जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं लोग सभी का समस्या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूर्व से बड़े लंबे वक्त से उलझता हुआ आ रहा है। धैर्य रखें, ये सरकार सभी को कैसे आप निर्भक होकर और स्वतंत्र रूप से काम करें और ईमानदारी से काम करें, सरकार आपको हर सहयोग देने के लिए तैयार है, हर समस्या का समाधान निकालने के लिए आपका तैयार है, किसी का आगे किसी का पीछे, इन समस्या का समाधान है। और भी किसी का कर्मी है या और भी किसी का प्रमोशन का इशू है, किसी का पेंशन का इशू है, किसी का मानदेय का इशू है, किसी का नियमितीकरण का इशू है, तो किसी का बहुत सारी चीजें हैं हर वर्ग में हर विभाग में, तो उन सब का नियम सम्मत कानून सम्मत उनके साथ हम लोग चीजों को करेंगे और उनको एकदम सरकार राज का एक अभिन्न अंग समझते हुए उसके साथ चलेगा। युवाओं के लिए SC ST और OBC के लिए 10% टेंडर जो योजना है क्या है, आज विस्तार रूप से इनको समझाइए। देखिए ये थोड़ी तकनीकी है, ठीक है, इंजीनियर भी करेंगे और इस विषय पर, चूंकि जो ST SC OBC जो ये थोड़ा सा वर्ग है ये बेचारे बहुत अलग थलग बड़ी बड़ी चीजें या कोई भी चीजों को हासिल करने में, छोटी बड़ी चीजें हासिल करने में उनको बहुत मशक्कत होती है, क्योंकि ये राज्य इन वर्गों की बहुलता है। तो हम लोगों ने एक उनको अपने पैरों पर धीरे धीरे स्वावलंबी बनाने के लिए एक स्कीम स्टार्ट किया है कि यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट के काम होंगे एक सर्टन अमाउंट तक का कॉन्ट्रैक्ट हम इन्हीं वर्गों के पीछे बांटेंगे। अगर 2 करोड़ रुपया स्टार्टअप कह सकते हैं इसको, अगर वो भी टेंडर अगर L&T और ये बड़े बड़े उद्योग लेंगे तो बेचारे मारे जाएंगे मन मजबूरी करेंगे इसी। तो देखा अभी आपने कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने स्वयं मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हर हाल में अब घोषणा कर दी जाएगी और उनके ये जो मानदेय की वृद्धि है तत्काल 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा और अब वो मन लगाकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे, जिससे शिक्षा की रीढ़ बने पारा शिक्षकों के साथ साथ गाँव के दूर दराज के ग्रामीणों के साथ बच्चों का भी विकास निश्चित तौर पे होगा। अब वो मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। हालांकि पारा शिक्षक आजीवन मन लगाकर पढ़ाते आए, शिक्षा के स्तर को
पारा शिक्षकों ने बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। अब वे सहायक अध्यापक कहे जाएंगे, औपचारिक घोषणा होगी ये वर्षगांठ भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।